अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये बता रहे थे कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम पे वीडियो बनाओ, मतलब जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो शायद ही आप सब बच्चों को पता हो, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये आप सबके लिए। देखो, अगर कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल जिसका पेपर खराब हुआ हो, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जिनको खुदा ना खास्ता ये लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे, उनके लिए तो बायएनुअल एग्जाम होगा, ठीक है। तो अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको ऐसा लगे कि मैंने पेपर में सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स अटेम्प्ट नहीं करे, और जब उनका रिजल्ट आएगा, जब वो वहां पे रिजल्ट देखेंगे, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो ये बात अच्छे से गौर से सुनना कि अगर उसको लगे कि कोई पेपर ऐसा है जिसमें मुझे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो उसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है या दे सकती है। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कोई बच्चा ऐसा होता है उसको अगर जेईई मेंस देना होता है, उसको अगर 75% नहीं आ रहे, तो वो इंप्रूव कर सकता है अपना जो वो कोई सा भी सब्जेक्ट है उसमें रजिस्टर करके, मतलब उसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है, उसके बाद उसके 75 अबव आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा लग रहा है जिसमें आपके सेटिस्फैक्टरी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप उसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। जेके बोस वालों ने आपके लिए ये ऑप्शन भी रखा है। तो इस इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का नाम है डिविजनल इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब ये बात भी मैं बताना चाहूं, ये जो डिविजनल इंप्रूवमेंट है ये खाली क्लास 11th के बच्चों के लिए होता है और क्लास 12th के बच्चों के लिए होता है, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए नहीं होता है। क्लास 10th के बच्चों के लिए जैसा रिजल्ट होगा उनको उसी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए आपके लिए डिविजनल इंप्रूवमेंट एग्जाम है, जहां पे आप अच्छे से अपने जो स्कोर है उनको इंप्रूव कर सकते हो। तो बस यही कहना था मुझे इस वीडियो में, टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह देखो रिजल्ट जो होगा ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो अनएक्सपेक्टेड होगा, इट विल बी बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। लाइक अगर आपने कुछ 400 मार्क्स एक्सपेक्ट किए होंगे, आपके 420 होंगे, अगर किसी ने 420 एक्सपेक्ट किए होंगे उनके 440 होंगे, इंशाल्लाह ऐसा ही रिजल्ट आएगा इस साल। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा, देख लेना, उस टाइम पे मुझे बता देना कि आप सच बता रहे थे, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रिजल्ट्स को आना होगा, आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आना होगा, जून में आना होगा, जुलाई में आना होगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँ, इस डिविजनल इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के फॉर्म जो है ये आपके रिजल्ट के बाद निकलेंगे, अभी आप नहीं दे सकते, ये जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। इसका कुछ पर्टिकुलर फीस होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए, वो मुझे अभी नहीं पता, वो उस टाइम पता चल जाएगी जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी, आई विल लेट यू नो, ओके। सो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस, शेयर करो हर एक बच्चे के साथ ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।